हेलो स्टूडेंट्स, कैश बुक का चैप्टर हमारा कंटिन्यू था, तो सिंगल कॉलम कैश बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो टुडे आवर टॉपिक इज रिसीप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसीप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। कैश बुक का चैप्टर चल रहा है, कैश बुक का क्वेश्चन करते टाइम यदि कोई चेक हमें रिसीव हो रहा है, चेक या बैंक ओवरड्राफ्ट कि कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो कैश बुक में उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द सेम डे। यहाँ देखो बच्चों, हमें कस्टमर से चेक मिला और वही चेक हमने सेम डे डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द सेम डे। हमें जिस दिन चेक मिला कस्टमर से, हमने सेम डे वो चेक बैंक में जमा करा दिया है। तो क्या करेंगे बच्चों, जो चेक आया सेम डे बैंक में जमा करा दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कस्टमर का नाम, जो भी हमारा कस्टमर का नाम है, और क्योंकि सेम डे बैंक में जमा कर दिया तो बैंक में अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे डेट लिख देंगे, मींस कस्टमर से चेक मिला, से फॉर एग्जांपल 20th को चेक मिला और 20th को ही आप बैंक में जमा करा रहे हो, तो इट मीन्स 20 तारीख को बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। 20 तारीख को ही बैंक में पैसे क्रेडिट हो गए, डिपॉजिट हो गए, तो डेट डाल के टू कस्टमर जो भी नाम होगा और बैंक में अमाउंट आ जाएगा बैंक वालों में। नेक्स्ट केस देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से चेक मिला बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द सेम डे। हमें कस्टमर से चेक मिला है और वो चेक हमने अपनी फर्म में ऑफिस में ही रख दिया है, उसको सेम डे हमने डिपॉजिट नहीं कराया, अब इसकी पोस्टिंग, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एक बार ये देख लो। ऑन 15th February 2017, एग्जांपल लेके बता रहे हैं बच्चे, 15 फरवरी 2017 को ए चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम गुरप्रीत, जो कि एक कस्टमर है, उससे एक चेक मिल रहा है 25,000 का। This check was deposited into the bank on 20th February 2017. देखो चेक रिसीव हुआ है 15 फरवरी को, हमने ये 15 फरवरी को द वेरी सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। इस चेक को फॉर्म कब डिपॉजिट कर रही है बैंक में, 20 फरवरी को, यानी कि 5 दिन के बाद। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, 15 फरवरी को जिस दिन चेक रिसीव हुआ उस दिन इसकी जर्नल एंट्री मीन्स जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी। ऑन द रिसीप्ट ऑफ चेक, मतलब 15 फरवरी की बात हो रही है, 15 फरवरी को चेक जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन इसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी। और क्या बनेगी जर्नल, चेक आया, चेक को एक असेट के रूप में ले रहे हैं, असेट इंक्रीज हुए, जब असेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट कर देते हैं। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू किसने दिए, टू गुरप्रीत, यानी कि असेट हमारे जो हमारे डेटर थे, गुरप्रीत कौन है, डेटर, डेटर ने देने थे, अब वो डेटर हमें हमारी पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स डेटर रिड्यूस हो रहे हैं, और जब असेट रिड्यूस होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, ये आपको रूल्स के टाइम बताया हुआ है। तो एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गुरप्रीत अकाउंट 25,000। अब इस एंट्री में कैश अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो 15 तारीख को जिस दिन चेक आया उस दिन कैश बुक में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगी, सिर्फ जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर दी जाएगी। नो रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ चेक, 15 फरवरी को जिस दिन चेक मिला कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। कैश बुक में एंट्री कब करेंगे, जिस दिन ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, और बैंक जो चेक जो है वो बैंक में कब जमा हो रहा है, ऑन डिपॉजिट ऑफ चेक इन टू द बैंक, बैंक में चेक कब जा रहा है, 20 फरवरी को, जिस दिन बैंक में चेक जा रहा है उस दिन कैश बुक में एंट्री करेंगे, रिसीप्ट साइड पैसा आ रहा है तो टू चेक इन हैंड बैंक में, क्योंकि बैंक का बैलेंस किस दिन इंक्रीज हुआ है, 20th फरवरी को, जिस दिन चेक को बैंक में डिपॉजिट किया गया है उस दिन बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। तो इसलिए जिस दिन बच्चों चेक मिला, रिसीव हुआ लेकिन जमा नहीं हुआ, जिस दिन चेक रिसीव हुआ उस दिन उसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर देंगे, मीन्स कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। और जिस दिन चेक, वो चेक जो दो दिन से तीन दिन से ऑफिस में पड़ा था, जिस दिन आप जमा करा रहे हो
उसी दिन बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा और उसी दिन ही कैश बुक में एंट्री करेंगे टू चेक इन हैंड और बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक कॉलम में 25,000 लिख देंगे। तो ये क्या था, चेक रिसीव हुआ, सेम डे जमा नहीं हुआ, नेक्स्ट डे या दो दिन के बाद जमा हो रहा है, ये उसकी एंट्री है। और एक बार पहले देख लो, और यदि मान लो चेक कस्टमर से रिसीव हुआ और सेम डे हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसी दिन ही टू कस्टमर बैंक में अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि जिस दिन चेक मिला उसी दिन ही बैंक में जमा कर दिया, यानी कि सेम डे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो टू कस्टमर और बैंक में अमाउंट लिख देंगे। तो ये था बच्चों रिसीप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट इन द केस ऑफ कैश बुक। तो बच्चों अभी हमने करा रिसीप्ट ऑफ चेक, बैंक ओवरड्राफ्ट का भी नहीं किया था, अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों खाली बैंक, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट हमारा करंट असेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमने हमारे अकाउंट में जितने पैसे पड़े थे उससे ज़्यादा जब हम विड्रॉ कर लेते हैं बैंक से, उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक हमारी पुरानी हिस्ट्री, बैंक हिस्ट्री देखकर कभी कभी बैंक अपने कस्टमर्स को, अपने अच्छे कस्टमर्स को बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं, यानी कि कस्टमर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है कभी कभी कस्टमर अपने अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ कर लेता है। इट मीन्स जितना पैसा फर्म ने ज़्यादा निकाला है बैंक से, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जब आप कैश बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चों, और यदि क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। जितना ओवरड्राफ्ट, जितना पैसा आपने बैंक से एक्सेस में निकाल लिया, ज़्यादा लिया है बैंक से एज अ लोन, तो वो लोन अभी हमें वापस करना है, इट मीन्स लायबिलिटी है। और कोई भी लायबिलिटी जब बच्चों होती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, याद रखना। बैंक बैलेंस ऑलवेज डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज क्रेडिट। तो यदि कैश बुक के क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आपको गिवन है, तो आप कैश बुक के क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक। खाली बैंक लिखा हो या बैंक बैलेंस लिखा हो तो उसको हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यदि बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है, इट मींस ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, तो कैश बुक के क्वेश्चन में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है वो बैंक वाली कॉलम में आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक रिसीप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट।